जब योग जीवन में उतर कर आता है तो व्यक्तित्व का एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही पर्सनैलिटी नजर आती है, और ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। एक व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में योग की बहुत अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके योग को जीवन में उतारा है, और उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह हम आध्यात्मिक चिंतन को जितना जल्दी अपने जीवन में ले उतार ले, उतना ही ज्यादा हमारा आध्यात्मिक विकास पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसा ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ आज मौजूद है, उनका नाम है मनन अग्रवाल। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू मिस्टर मनन अग्रवाल, हमारे योगाचार्य, हमारे योगा टीचर, हमारे मेंटोर, जिन्होंने हमेशा बच्चों को गाइड किया है योगिक प्रैक्टिसेस में, टीचिंग्स में। आपने मास्टर्स ग्रेजुएशन किया है पतंजलि से, ये स्कॉलर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं पतंजलि के, और उसके बाद मास्टर्स किया है बीएससीवी से देव संस्कृति विश्वविद्यालय गुरु जी के सानिध्य में रहकर। उसके बाद पीएचडी कंप्लीट की, पीएचडी शिक्षा ली और बिहार से, और इनके 9 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एज। एंड अभी के समय में वो विवेकानंद योग अकेडमी के फाउंडर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं। तो कोरोना के क्रूशियल टाइम में उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे योग की शिक्षा को अवेलेबल करा दिया, ताकि बच्चों को, यूथ को योग की शिक्षा के लिए अभी परेशान न होना पड़े। तो विवेकानंद योग अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया जो ऑनलाइन योग की शिक्षा दे रहा है। तो वी ऑल रिक्वेस्ट यू सर टू काइंडली एड्रेस, काइंडली शेयर योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज विद ऑल ऑफ अस। योगाचार्य मनन अग्रवाल जी, काइंडली गाइड अस, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के पावन पर्व पर। तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस स्वर्णिम समय पर हम जी रहे हैं जिसमें योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। योग एक ऐसी पद्धति जो हमें जीवन जीना सिखाती है, योग हमें आरोग्य देती है, योग का अभ्यास हमें शांति देता है, सुख देता है, आनंद देता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं योग क्या है। योग जो विधा है यह बहुत प्राचीन काल से आ रही है। योग मतलब जोड़ना, आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे योग मतलब जोड़ना, किसे जोड़ना। तो योग जोड़ता है स्वयं को स्वयं से, स्वयं को परिवार से, स्वयं को समाज से, स्वयं को राष्ट्र से। ऐसे एक विधा का नाम है योग। योग आपको स्वयं को स्वयं से जोड़ेगा, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान कराएगा, आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं, किस प्रकार आप योग के माध्यम से अपने अंदर के जो पावर हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं, यह विधा योग के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कई प्रकार के योग प्रचलित हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, नाद योग, तंत्र योग, मंत्र योग। इन सब का सब एक ही लक्ष्य है, स्वयं से हम जुड़ पाए, स्वयं को जान पाए। भक्ति के माध्यम से उस परमात्मा से हम जुड़ रहे हैं और स्वयं को जान रहे हैं, वो भक्ति योग हो गया। ज्ञान के माध्यम से हम उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं और स्वयं को जान रहे हैं, वो ज्ञान योग हो गया। मंत्र के माध्यम से उस हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं और स्वयं को जान रहे हैं, वो मंत्र योग हो गया। इस प्रकार अनेक योग की विधाएं हैं, उसमें एक विधा है आपकी हठ योग, जिसके अंतर्गत आसन आदि आते हैं। जो आसन है, अब मैं एक एक पार्ट के ऊपर आप लोग को थोड़ा विस्तृत बता देता हूं कि आसन, प्राणायाम ये सब क्यों आवश्यक है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो यम है वो आपको स्वयं, यम कहा अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः, मतलब किसी से हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अपने अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको बचा के रखना और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, ये यम है।
मतलब हमको एक जीवन शैली दे रहा है योग इस यम के माध्यम से, नियम के माध्यम से आपको संसार में रहते हुए कैसा जीवन जीना है। तो सोच पवित्रता जैसा जीवन, संतोष, कहते हैं ना कई लोग के पास सब कुछ होता है लेकिन क्या नहीं होता, संतोष नहीं होता। इसलिए योग के माध्यम से आप अपने जीवन में संतोष को भी ला सकते हैं। इसलिए कहा संतोषम परमम सुखम, संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये नियम के अंतर्गत आ जाते हैं जिसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है और वैसा जीवन जीना है। फिर आता है आसन। आसन के विषय में बहुत अच्छा कहा, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जीवन जी सकते हैं उसे हम आसन कहते हैं। अभी शरीर को मजबूत करने के लिए आसन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को पूर्ण रूप से सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उसमें आसन पहली भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी एक आसन के माध्यम से आप उस जो आपका जो लक्ष्य है वहां तक प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आपको आत्मा की प्राप्ति करनी हो या स्वयं को निरोग करना हो, तो किसी ना किसी एक स्थिर होकर के आपको बैठना पड़ेगा। तो स्थिरता कहां से प्राप्त होती है, उस आसनों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, मन पर संयम। जो आपका मन है वो बहुत इधर उधर दौड़ता है, तो उसको एक दिशा में ले आना, एक उसको सही दिशा दे देना, वह प्राणायाम के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। उसके बाद प्रत्याहार, मन पर संयम, धारणा, किसी एक स्थान विशेष पर आप लंबे समय तक मन को टिका रहे हैं वो धारणा हो जाती है, और वही धारणा जब आप लंबे समय तक उसी का ध्यान करते हैं वही धारणा जो है ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ध्यान से समाधि की ओर आप बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी को समझा रहा था योग क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। योग इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप स्वयं को आरोग्य कर सके, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते। सबसे पहली आवश्यकता है समाज में हम जीवन जी रहे हैं स्वयं को स्वस्थ रखना। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा, यदि आप निरोगी हैं, यदि आप आरोग्य हैं, आरोग्य आपको प्राप्त है, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप मन से भी कार्य नहीं कर पाएंगे, मन भी आपका ठीक नहीं होगा, और यदि मन ठीक नहीं होगा तो बुद्धि भी सही कार्य नहीं कर पाएगी, और बुद्धि यदि असंतुलित हो गई तो हर एक काम आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला सुख क्या है, निरोगी काया, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम क्या है, योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे, योग के माध्यम से आप अनेक प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं, जो आसन शरीर के अलग अलग अंगों पर जाकर के अलग अलग लाभ देते हैं, जैसे मंडूकासन है, ये पेट पर, पेट के लिए विशेष उपयोगी। इस प्रकार एक प्रकार के आसन है जो आपके शरीर के अलग अलग अंगों के लिए हैं। तो उससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाएगा, जहां पर जो विकार उत्पन्न हो रहे थे वो विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। मतलब योग एक ऐसी विधा है जो आपके शरीर में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन विकारों को नाश कर देता है सहज और सरल भाव से, वो विकारों को जन्म ही लेने नहीं देता। योग के माध्यम से आप अपने विकारों को पूर्ण रूप से नाश कर सकते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तो कहा न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो व्यक्ति अपने शरीर को इस योग की अग्नि से योगाग्निमय बना लेता है, योगाग्निमय का अर्थ यह है कि जो आपके पांच प्राण है, महाप्राण, प्राण समान उदान व्यान, जैसे पांच महाप्राण की बहुत विस्तृत चर्चा हमें प्राप्त होती है प्रश्नोपनिषद में। एक उपनिषद है उसे बहुत बड़ा उपाख्यान है, ऋषियों की भी संवाद हुआ वहां। तो पांच महाप्राण की हमें विस्तृत चर्चा हुई है, प्राण समान अपान उदान और व्यान, यही पांच महाप्राण है जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, हमको संचालित करते हैं। और प्राणायाम के अभ्यास से, योग के अभ्यास से क्या होता है, हमारे अंदर ये प्राण सक्रिय हो जाते हैं और हमको सही दिशा में कार्य करने देते हैं। तो इस प्राणायाम के माध्यम से, इस योग के माध्यम से आप अपने अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, उसको अनंत गुणा विकसित कर सकते हैं। इसलिए तो कहा प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं माते पुत्रान रक्षस्व त्रिश्च प्रज्ञान च विदेही। कहा प्राणस्येदं वसे सर्वं, ये जो संसार आपको दिख रहा है ये सब प्राण के वशीभूत है, और उस प्राण की शक्ति हम कहां से अर्जित करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से अर्जित करते हैं।
तो इसलिए आसन प्राणायाम ये दो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। कुछ न कर सके हम अपने जीवन में तो कम से कम आसन और प्राणायाम तो निश्चित रूप से करें, जो कि योग अंगों में तीसरा और चतुर्थ अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसी के माध्यम से आप फिर आपके जीवन की अगली यात्रा आरंभ होती है। तो आज के दिन आप सभी को संकल्प लेना चाहिए कि आज से ही आप जो है प्रतिदिन आसनों का प्राणायामों का अभ्यास करेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इसलिए तो आदरणीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की है। क्यों? क्योंकि ऋषियों की प्राचीन पद्धति रही है योग। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वो इस योग विधा के माध्यम से ही स्वस्थ रहते थे। उनके पास एक ऐसी विधा थी जिसके माध्यम से वो अपने आप को हमेशा स्वस्थ, सुख और आनंद महसूस करते थे। देखेंगे ऋषियों को कभी दुख नहीं होता था, कभी संताप नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसी विधा पता थी जो वो हर स्थिति में सम रहना जानते थे। कभी डिप्रेस नहीं होते थे, कभी तनावग्रस्त नहीं होते थे, हमेशा एक भाव में स्थित होते थे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद्भगवद गीता में बता रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योषमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कहा योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। योग में स्थित होना क्या है? मतलब माइंड को स्टेबल करना, यही योग में स्थित होना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, जितना भी जो अटैचमेंट है इस अटैचमेंट को दूर करो, इससे अपने आप को दूर करो। अटैचमेंट क्या? अनेक प्रकार के अटैचमेंट हो सकते हैं, उस अटैचमेंट को अपने आप से दूर करो। संगम जो आसक्ति है यही बंधनों का कारण है, कोई भी आसक्ति हो सकती है वो, तो इन आसक्तियों को दूर करो। और समभूत्वा, समभूत्वा का अर्थ है अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपनी आत्मा को एक भाव में स्थित करना, यही समभूत्वा हुआ। और वह क्या है? योग है, वही योग है। यदि आप अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को एक भाव में स्थित कर पा रहे हैं, यही योग है। और यही योग के माध्यम से आप अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, शरीर के भाव से, मन के भाव से, बुद्धि के भाव से और आत्मा के भाव से। यही योग हमें सिखाता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 योग वहां पर दिए गीता में, जैसे कि आप देखेंगे 18 अध्याय में 18 योग की चर्चा है। तो योग एक ऐसी विधा है जो आपको स्वयं से अपना परिचय करा रही है। अन्य कोई विधा नहीं है संसार में जो आपको अपना स्वयं से परिचय करा पाए। थोड़ा विचार करके देखिए, सोच के देखिए, ऐसे कोई विधा हो सकती है जो आपको स्वयं से जोड़ सकती है? ऐसी कोई विधा हो सकती है जो यह बता दे आपको कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या शक्तियां हैं जिसका आप सदुपयोग करके इस संसार में महान बन सकते हैं, जो आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं? कोई ऐसी विधा है? वो विधा केवल है तो वो योग विधा है, जिसको आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यह जो योग दिवस है हमारे अंदर एक स्वास्थ्य की पहल करता है। यह बताता है कि आप योग के प्रति सचेत रहिए, योग को अपने जीवन का एक अंग बनाइए। केवल ऐसा ही नहीं कि आपने योग दिवस के अवसर पर योग एक ही दिन योग कर लिया और अन्य दिन चलो ठीक है, एक दिन योग हो गया, एक साल में एक बार बहुत है, ऐसा हमको नहीं करना है। इस योग दिवस के अंदर, ये योग दिवस हमें यह शिक्षा देता है कि इस दिन हम संकल्पित हो जाएं। किस लिए संकल्पित हो जाएं? पूरे एक वर्ष के लिए संकल्पित हो जाएं, कि हमें पूर्ण रूप से एक वर्ष के लिए संकल्पित होना है आज के दिन। और आज तो ये पावन पर्व है निर्जला एकादशी का भी, आप सभी को जानकर यह बहुत प्रसन्नता होगी और एक आनंद होगा, सुख होगा कि आज का ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन निर्जला एकादशी है। जो 24 एकादशी है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी आज की निर्जला एकादशी, और उसी दिन आज योग अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का पावन पर्व भी है। तो इसी दिन आज से आप संकल्प हो कि आज से प्रतिदिन कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा अपने लिए निकालना है, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना है, अपने मन को सही दिशा देने के लिए निकालना है। क्योंकि कहा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षे हो,
जो ये आपका मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आप अपने मन को उस मुक्ति की ओर ले चले, इस शरीर को स्वास्थ्य की ओर ले चले। एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर को प्राप्त हो, मन सभी बंधनों से मुक्त हो, बुद्धि को सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता प्राप्त हो, यह जो सभी शक्तियां हैं यह हमें योग के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। आत्मा को आप आत्मा की शक्तियों को एहसास कर पाए, जो आपके अंदर निहित शक्तियां हैं, जो विल पावर है, जो आपके अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं। कहा ना अष्ट चक्रानवद द्वारा देवानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषामृत। कहा आठ चक्र और नौ द्वार है, और ये जो क्या है अयोध्या पुरी है हमारे शरीर के अंदर ही। जो व्यक्ति इसको जान लेता है वह परम प्रकाश को अपने अंदर अवतरित करा लेता है, जागृत कर लेता है। इसलिए योग विधा के माध्यम से आप अपनी सोई हुई शक्तियों को, जैसे कहा जिसे एक शब्द में कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, हर व्यक्ति के पास वो है और हर व्यक्ति उसको कुछ न कुछ रूप में जागृत किया हुआ है, इसलिए आप संसार में कार्य कर पा रहे हैं। यदि आप उसको सोई ही शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत कर लेते हैं तो आपके अंदर वो देवी शक्तियां अपना स्थान बना लेती हैं और आप स्वयं परमात्मा के यंत्र बन जाते हैं, और वो परमात्मा जो कार्य आप आपसे कराना चाहता है वो करा लेता है। तो योग ऐसी विधा है जिसके माध्यम से उस परमात्मा शक्ति को आप अपने अंदर धारण कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इसको जागृत करके अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हर व्यक्ति इस जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सुख को प्राप्त करेंगे तो दुख भी मिलेगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां दुख है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां दुख नहीं है, और दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। और जब आप आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं तो वहां न सुख आया है न दुख है। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? सुख और दुख तो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इंद्रियां जब दुखी होती हैं तो वो दुख देती हैं, और इंद्रियां जब सुखी होती हैं तो वो सुख देती हैं। और आनंद कौन देता है? आनंद केवल आत्मा। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, उस आत्मा को जान लेते हैं, तब आपको उस आनंद की प्राप्ति होती है, और वो स्वयं को जानने की प्रक्रिया योग विधा है। जैसे ही मैंने पहले ही चर्चा की, ज्ञान के माध्यम से आप स्वयं को जान रहे हैं वो ज्ञान योग हो गया, भक्ति के माध्यम से आप स्वयं को जान रहे हैं वो भक्ति योग हो गया, आसनों प्राणायाम के माध्यम से यदि आप स्वयं तक पहुंच पा रहे हैं, अपने तक पहुंच पा रहे हैं, स्वयं जो आपके अंदर निहित शक्तियां हैं उस स्वयं तक पहुंच पा रहे हैं, जिसने आपको जन्म दिया है वो स्वयं जो परमात्मा है। कहा ना स्वभाव अध्यात्म उच्चते, बहुत अच्छा अध्यात्म की परिभाषा थी, स्वभाव आत्मभाव में स्थित होना, स्वभाव में स्थित होना, अपने आप को जानना, यही अध्यात्म है और यही योग है। तो इस योग विधा को आप अपने जीवन में अपना करके आज से संकल्प लीजिए कि आप इस योग विधा को अपने जीवन में अपनाएंगे। केवल स्वयं केवल आप शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे, इस योग के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ तो रखेंगे, लेकिन जो हमारा जन्म का उद्देश्य है सभी दुखों से निवृत्ति और स्वयं को जानना, उस अपने जन्म उद्देश्य की ओर अग्रसित होंगे। परमात्मा ने आपको जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं दिया, धनार्जन के लिए नहीं दिया, उसने आपको जन्म दिया है उसको ही जानने के लिए। और यह बहुत करोड़ों जन्मों के अरबों जन्मों के बाद एक परम सौभाग्य ये मनुष्य शरीर मिलता है, जब आप स्वयं को अपने आप को जान पाते हैं। तो इस योग विधा के माध्यम से आप स्वयं को जान पाएं, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है, इस योग मार्ग की ओर आप बढ़ें। और आज के दिन आप सभी संकल्प लें कि आज से ही आप उस स्वयं को जानने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे। चलिए आप मेरे साथ एक संकल्प दोहराएंगे, जो आप सभी संकल्प लेना चाहते हैं। आप सभी तैयार हैं संकल्प लेने के लिए? यहाँ केवल मैं लेक्चर लेने नहीं आया हूँ, आप सभी को योगी बनाने आया हूँ। क्या आप सभी योगी बनने के लिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं सभी? जो अपनी ओर बढ़ता है ना, मतलब जो स्वयं को जानने की ओर बढ़ता है वो योगी होता है। जो अपने मन का नियंत्रण स्वयं कर पाता है, जो अपनी बुद्धि को स्वयं संचालित करता है, जो अपने शरीर को स्वयं संचालित करता है, वो व्यक्ति योगी होता है। इसलिए तो कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरे इस ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है। जो व्यक्ति उसको जानता है वो योगी होता है। तो आप इस योग मार्ग आगे बढ़े,
और योगी बने, ऐसे मेरी शुभकामना है। चलिए संकल्प आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे, मैं जो दोहराऊंगा, इस हाथ जोड़ लीजिए सभी और उस परमात्मा की परमात्मा को साक्षी मानकर, उस परमात्मा को मानकर आज इस सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर, इस सातवें योग महोत्सव के अवसर पर अपना नाम बोलिए। मैं, जो भी आपका नाम हो, मैं मेघा किरण, आज के दिन यह संकल्प लेती हूँ, आज के दिन यह संकल्प लेती हूँ कि प्रतिदिन प्रतिदिन नियमित रूप से यथा सामर्थ्य योगाभ्यास करूंगी जो भी है आप लोग। तो आज के दिन आप लोग संकल्पित हो गए हैं, आप परमात्मा को साक्षी मान करके आप आज के दिन आप लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन आप सभी योगाभ्यास करेंगे, जितना समय आपको मिलता है। हो सकता है किसी कारणवश आपको समय किसी दिन कम मिले, तो 5 ही मिनट करिए। वो जो एक नियमित है ना, नियमितता, वो आपको लाभ देगी। जब आप किसी कार्य को नियमित करते हैं तो वही कार्य आपको लाभ देगा। भले 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, आपके पास कम समय है, श्वासों पर ही ध्यान कर लीजिए 2 मिनट। एक बार स्थिर होकर के बैठ जाइए, श्वासों पर ही ध्यान कर लीजिए, श्वास किस प्रकार आ रही है, किस प्रकार जा रही है, ये भी योग हो गया। प्राणायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, किसी भी मतलब स्वयं को जानने के लिए एक छोटा सा क्रम अपनाइए। परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, वो भी योग का माध्यम हो गया, भक्ति योग। तो कोई भी एक विधा जो आपको अपनी ओर बढ़ाए, स्वयं को जानने की ओर बढ़ाए, वो विधा योग विधा है। तो आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस योग विधा की ओर हम आगे बढ़ेंगे, और केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहना है। जब इसका लाभ आपको मिलने लगे तो आपको अपने परिवार वालों को भी जोड़ना है, साथ ही साथ समाज को भी जोड़ना है, और फिर राष्ट्र को पूरे योगमय करना है। तभी तो हमारा भारत देश फिर से जगत गुरु कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इस योग विधा से कहलाएगा। आज भारत को देखते हुए अन्य जितने देश हैं वो सभी इस योग विधा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, योग मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा अन्य कोई मार्ग नहीं है जो आपको इतने सरल और कम समय में आपको एक सुख की अनुभूति करा दे, आनंद की अनुभूति करा दे। तो वो योग विधा ही है केवल जो आपको एक आनंद की ओर अग्रसित करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस सत्र में हम सभी का जुड़ने के लिए। मैं प्रेरणा जी का और उनके पूरे टीम का और जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उस सर का पूर्ण रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस योग विधा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो ऋषियों की प्राचीन पद्धति रही है, योग पद्धति रही है, जिसके माध्यम से ऋषि लोग अपने जीवन को धन्य बनाते रहे हैं। वही विधा का कार्य, आप ऋषियों का कार्य अपने कंधों पर लेकर के उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।